आज कहना जरूरी है, मुझको तुमसे प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, नफरत हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंसिंग रूल। जब बलमा जी अपने पहली प्रेमिका से मिले थे क्या क्या हुआ सब बताएंगे, पहले समझिए। आज बैलेंसिंग रूल सिखाएंगे भाई, ये बहुत काम का है, खास करके गुना करने में, मल्टीप्लिकेशन में बहुत काम आता है। ये काम आता है हर जगह वैदिक मैथ में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बहुत काम आता है। तो पहले बेसिक समझाते हैं कि बैलेंसिंग रूल क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ 23 और है 13, तो सुनिएगा ध्यान से, लास्ट वाला जैसे है वैसे चुपचाप टुकड़ टुकड़ देखेगा, यहाँ लिख देंगे और इसको अपने बगल वाला के साथ जोड़ेंगे, तो 1 और 3 4 और 2 है तो 2। बात पकड़ में आया? जैसे मान लेते हैं ये है 35 17 और है 19। अब यहाँ हम लागू करना बैलेंसिंग रूल। अब गौर सुनिएगा, पहले वाला जैसे वैसे उतर जाएगा। अब ध्यान से, मैंने बी मतलब बलमा जी जब अपने पहली प्रेमिका से मिले, मैंने बाद वाला पहले वाले जुटेगा, ऐसा करें तो कहानी से आपको याद रहेगा। जब बलमा जी अपनी पहली प्रेमिका से मिले ना, मिलते ही भाई एकदम साफ उदास हो गए, इसका रोने का मन कर रहा था। अब इसके मन में भाई अजीब अजीब बात आ रहा था, तो इसके मन में एक शायरी आया बीते हुए दिनों वाला, क्या सुनिए ध्यान से। सोचा था इस कदर भूल जाएंगे उनको, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे, मगर जब सामने आया उनका खूबसूरत चेहरा सोचा इस बार देख लेते हैं, अगले बार से अनदेखा कर जाएंगे। बात पकड़ में आया? यहाँ देखिए ये जैसे वैसे ही, ये भाई साहब मैंने बाद वाले बगल वाले गांव में जाएंगे, जब मिलेंगे अपने प्रेमिका से तो क्या होगा भाई, दोनों आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, शादी विवाह हो चुका है, तो बस एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान कर पाएंगे। यानी 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। बात पकड़ में भाई, जोड़े हैं तो नंबर ही ना जोड़े हैं, अब क्या, अब इसको जोड़ेंगे मैंने बाद वाले को पहली वाली से, तो 1 और 5 6 3 है तो 3। क्या बात पकड़ में आया? सर यहाँ तक पकड़ में आया। एक और समझाते हैं कि बैलेंसिंग रूल क्या होता है। जैसे है 17 19 25 28। अब ध्यान से देखिए, 8 लास्ट वाला जैसे है वैसे ही, 2 और 5 7, 2 और 9 तो 11 के 1, यहाँ कैरी 1 हो गया हाथ में, 1 और 7 8, 8 और 1 9, और 1 है तो 1। बात पकड़ में आया कि नहीं आया पकड़ में, बैलेंसिंग रूल क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अब आगे आइए। जैसे यहाँ गुना करना है तो मेथड 1 है हम साथ साथ हैं, माने इसमें एक साथ ही गुना करेंगे, और दूसरा क्या है मेथड 2 हम अकेले तुम भी अकेले, मरेंगे जिएंगे अकेले अकेले। अब यहाँ गुना करना है तो हम साथ साथ कैसे, यहाँ ध्यान सीखिएगा भाई, अगर ये नियम सीख गए अब अपने छोटे भाई बहन या किसी को सिखा दीजिएगा ना, वो आपका फैन हो जाएगा, कि इतना कमाल का है और एकदम सिंपल है, एकदम इजी नियम है भाई। कैसे यहाँ सीखिएगा, 7 × 2 = 14, तो 14 × 14 लिख दीजिए, 7 × 7 लिख दीजिए, 7 × 4 = 28 तो 28, और बीच में एक लाइन पारते जाइएगा, 7 × 2 = 14 तो 14 लिख के लाइन पार दिए, 7 × 7 तो 7 लिख के लाइन पार दिए, 7 × 4 = 28 तो 28 लिख के लाइन पार दिए। अब ज़्यादा लिखिएगा ही नहीं भाई, लाइन पारिएगा नहीं पारिएगा, कोई है ही नहीं। अब यहाँ बैलेंसिंग रूल लागू कीजिए, ये वाला 4 है तो 4, लास्ट वाला जैसे कि जैसे, इसको इसके साथ जोड़िएगा, मैंने बाद वाले को पहले वाले से, तो 1 और 7 8, बस यही बच गया ना, तो चुपचाप लिख दीजिए। बात पकड़ में आया कि नहीं आया पकड़ में, कितना सिंपल है। अच्छा अब इससे, ये तो मेथड 1 हो गया, आप
इसी को ऐसे भी गुना कर सकते हैं। कैसे? ध्यान सीखिएगा, ध्यान से इसका इससे पहले कीजिए। तो 7 चौका 28, तो 28 इसके बाद कई अंक है? 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगाइए प्लस। अब देखिए 7 एकम 7, इसके बाद कई अंक? 1 अंक है तो 1 जीरो। 7 एकम 7, इसका 1 अंक है तो 1 जीरो 70। फिर अब इसका 7 दूना 14, जोड़ दीजिए तीनों को, देखिए कितना आ रहा है 2800। कितना आ रहा है भाई? 84। क्या दोनों आंसर सेम आया भाई? बात पकड़ माया? अब इसको बता रहे हैं इसका गुना करना है। अब ध्यान सीखिएगा, हम 7 7 है ना, उस नियम से कर रहे हैं पहले, क्योंकि बहुत अजूबा नियम है। इसमें कैरी क्या होगा, हाथ में क्या लगा, याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा 8 3 24, तो 24 लिख एक लाइन पार दीजिए। 8 चौका 32, तो 32 लिख दीजिए। 8 5 40, तो लिख दीजिए 40। 8 7 56, 8 6 48, 8 9 कितना हो जाएगा भाई बताइए तो? 72। 8 8 64, क्या बात पकड़ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब आंसर लिख रहे हैं, आंसर कितना होगा? लास्ट वाला जैसे है तैसे टुकुर टुकुर देखेगा, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम 4। बाद वाले को पहले वाले से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 2 4, 3 और 0 3, 4 और 6 10 के 16, हाथ में 1। अच्छा तो ये हो गया 6 और 4 10 के 16 0, हाथ में 1। 5 और 8 13 13 1 14 के 4। अच्छा फिर एक हो गया हाथ में, 4 2 6 और 1 7, 7 4 11 के 1, हाथ में 1, तो 6 और 1 हाथ में के 7, आंसर हो गया। कितना सिंपल है, जब भी बड़ा संख्या हो इससे गुना करिए, तो इससे गलत होगा ही नहीं कभी, इससे गलत कभी नहीं होगा भाई से, क्योंकि हाथ में क्या लेना है कोई इसमें याद नहीं रखना है। जैसे एक और देखिए, तो इसको हम बताएंगे दोनों नियम से। जैसे 4523 गुना है 4, तो हम बता रहे दोनों नियम से भाई, इससे भी माने हम 7 7 हैं मेथड 1, और हम अकेले तुम अकेले। अब देखिए ध्यान से, इसका इससे गुना 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 4 4 16, तो लास्ट वाला जैसे है वैसे, तो और बाद वाला पहले वाली से मिलेगी प्रेमिका जी से, तो क्या होगा? 1 और 8 9। अच्छा अब देखिए इसमें 20 है, तो पहले वाला जो रहता है ना, जैसे रहता है वैसे ही, कुछ नहीं करते हैं, जैसे रहता है ना वैसे ही हम जोड़ते हैं बाद वाले को पहले वाली से, मैंने पहली प्रेमिका से मिलाते हैं, तो 2 और 6 8, 1 है तो 1। क्या बात पकड़ में आया? आया पकड़ में? चलिए इसको जरा समझते हैं। मेथड 2 से, हम अकेले तुम भी अकेले, 4 चौका 16, इसके बाद कई अंक है? 3 अंक है, 3 डिजिट है 3 वो 0, 4 5 20, इसके बाद कई अंक? 2 अंक है तो 2 वो 0, 4 2 8, इसके बाद कई अंक? 8 के बाद 1 अंक 1 वो 0, 4 3 12, इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, जोड़ दीजिए 16 हजार 2 हजार 18 हजार 18 हजार, 80 और 12 92, तो 18 हजार 92 आंसर आ गया। बात पकड़ में आया कि नहीं? पकड़ में आ गया। बेस्ट नियम भाई यही है, ये अजूबा नियम है, ये आप अभी तक कहीं नहीं सीखे होइएगा। आप सीखें पुराने वाले मेथड से सीखें तो भी नियम ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है क्योंकि इसमें गलत नहीं होगा। अब आपको हम दे रहे हैं कुछ सवाल होमवर्क में, क्या आपसे ये बन जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, बन जाएगा भाई। एक और बात, इस नियम से आप 1 से लेके
10,000 तक के पहरा भी लिख सकते हैं, टेबल, इससे आप टेबल भी लिख सकते हैं, 1 से लेके 10,000 तक के। कैसे, एक बताते हैं आपको, जैसे है 7 से 13 गुना 8 है, सीधे कर दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो 56 दूगो अंक है तो 2 गो 0, तो 5600 हो गया, ठीक है। अच्छा 8 एकम 8, 1 0 है तो 0 बैठा, 1 अंक है देखो 0, तो कितना 80 हो गया, तो 56 से 80, 8 3 24, 56 से 80 और 24, 57 से 4। तो इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तो इस पर भी आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, 2 3 5 8 8 गुना 6, 3 2 6 7 गुना 3। आप सबका आंसर बना के कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा दोनों में बेस्ट टीम कौन लगा है आपको। भाई अब आपसे तो हम 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक मांग ही सकते हैं कि आपको हम इतना अजूबा ट्रिक टेक्निक सिखाए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। तो आज के इतना ही, फिर लेके आएंगे आपको अगले क्लास में अगला वीडियो, हम आपको एकदम अजूबा तरीका भाई।